जी और आपका आज वीडियो में स्वागत है। और आज वीडियो हम लेकर आए हैं, टाइटल है, एपिसोड 8, दिस माताजी लिव्स अलोन इन अ फ्रोजन केव ऑफ गंगोत्री। तो चलिए देखते हैं वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को, उसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। अपनी इस गंगा यात्रा में आगे बढ़ते हुए आज मैं जा रहा हूँ हरिद्वार से गंगोत्री, सिर्फ उन माताजी से मिलने जिनसे मैं एपिसोड 1 में मिला था। तो माताजी से वादा किया था कि जब भयंकर सर्दी पड़ेगी तब लौट कर आऊंगा देखने के लिए कि इतनी हार्श कंडीशंस में भी माताजी गंगोत्री के जंगलों में अकेले रहती कैसे है। तो यार, इस ट्रिप पे आने से पहले मैं इतना एक्साइटेड था ना, क्योंकि सबको पता है मेरा सपना क्या है, दिल्ली से लंदन रोड ट्रिप करनी है। तो जब भी रोड ट्रिप करने का मौका मिलता है और वो भी ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में, ये एक्सट्रीम नहीं है बट मैं जहाँ जा रहा हूँ वो बहुत एक्सट्रीम है। तो उसके लिए निकलने से पहले मैंने खूब सारी शॉपिंग करी है। क्या क्या किया वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैंने खरीदा टायर प्रेशर मॉनिटर, क्योंकि पुरानी क्रेट है, इसके अंदर ना कुछ ऐसे फीचर वीचर है नहीं, तो कब टायर की हवा ज़्यादा है कब कम है, मोस्टली कब कम है, उसके लिए टायर प्रेशर मॉनिटर। उसके बाद मैंने एक ऐसा एक्सटेंशन तो नहीं बोलेंगे उसे, बट ऐसा मैंने क्या बोलते हैं उसे, अडैप्टर खरीदा है जिससे मैं गाड़ी में इन केस ऑफ इमरजेंसी अपना लैपटॉप भी चार्ज कर सकता हूं। ये पर्टिकुलर फीचर मेरे लिए बहुत बहुत सही है और इससे मेरे को थ्रिल आ गया कि अरे यार मैं तो एडवेंचरिस्ट हो गया हूँ। पता नहीं है क्योंकि वाओ गाड़ी में, क्योंकि मेरे को इवेंचुअली गाड़ी के अंदर रहना है, थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, तो ये सारी वो चीजें हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने खरीदी है वो है बैटरी, और ऐसी वैसी कोई बैटरी नहीं भाई, क्योंकि मैं इतनी कोल्ड में जा रहा हूँ, अगर बैटरी ने धोखा दे दिया तो मेरी वाट लग जाएगी। इसलिए मैंने खरीदी है सबसे ट्रस्टेड सबसे अच्छी SF बैटरी। इसके बारे में थोड़ा और बताता हूँ। मैंने जितनी भी रिसर्च की, रिकमेंडेशंस ली और ऑनलाइन एक्सपर्ट से पूछा, तो मेरे को एक ही ऑप्शन मिला, SF बैटरी। SF बैटरी यूजेस कैल्शियम सिल्वर एलॉय टेक्नोलॉजी, जिससे इस बैटरी की लाइफ तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ इसकी स्टार्टिंग पावर भी मेंटेन रहती है ओवर द टाइम। और मेरे को इस ठंड में जेन्युइनली कुछ भी कलेश नहीं चाहिए, कहीं अगर बैटरी मर गई, मेरी गाड़ी ऑन नहीं हुई तो मैं फंस जाऊंगा। बट आई डोंट हैव टू वरी, बिकॉज SF बैटरी के साथ ऐसे होने वाला है नहीं। ये बैटरी अवेलेबल है ऑल कार टाइप्स के लिए, साथ ही इसके साथ आपको मिलती है 72 मंथ्स लॉन्ग वारंटी और पैन इंडिया सर्विस। इसलिए मैं आपको यही बोलूंगा कि यू शुड नेवर एवर एवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर बैटरी। इसलिए गेट योर सेल्फ नॉट योर सेल्फ, गेट योर कार दिस SF बैटरी राइट नाउ। जागो रे, देखो रे, दुनिया ए, देखो रे। वाओ, इतना से शॉट लिया, नहीं कैसे लिया होगा कैमरा के, वापस आए होंगे, दोबारा आए होंगे। दीवाना बन गया हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ अभी, हम इतने फ्रैंक नहीं हुए कि मैं गाने नहीं गा रहा गाने नहीं गा रहा। तो जी, अब अपनी सवारी चले गंगोत्री की ओर, मगर गंगोत्री पहुंचने से पहले मेरे को ऋषिकेश में एक हल्का सा स्टॉप लेना है, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा सामान खरीदना है। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज खरीदनी है। एक मेरे को खरीदना है डीजल एंटी फ्रीज। ये क्या होता है, क्योंकि जब मैं गंगोत्री जाऊंगा और वहां गाड़ी 2-3 दिन खड़ी रहेगी, तो चांसेस है डीजल होने की वजह से वहां पे स्टार्ट ना हो, क्योंकि डीजल बहुत ठंड में, थोड़ी सी जगह क्योंकि डीजल बहुत ठंड में चालू नहीं होता है, तो उसका कुछ जुगाड़ देखना पड़ेगा कि भाई वहां मैं फंस ना जाऊं। और दूसरी चीज है कि माताजी से मिलने जा रहे हैं, तो माताजी के लिए बेहतर पीछे भर के बहुत सारा सामान मैं लेके ऑलरेडी आया हूं, डिक्की भरी हुई है। बट एक चीज जो लेनी थी यहीं से फ्रेश, वो है मशरूम। उन्होंने माताजी ने बोला था कि उनको मशरूम अच्छे लगते हैं, मैंने कहा ठीक है जा रहे हैं तो मशरूम थोड़े लेते जाते हैं, नहीं मिला। तो जी, अपडेट ये है कि ऋषिकेश में हमारा काम तो हो चुका है, मगर आधा मशरूम मिल गए हैं, बट जो एंटी फ्रीज मैं ढूंढ रहा था वो नहीं मिला। पर कोई बात नहीं, अब भगवान भरोसे है अपना, चल देते हैं गंगोत्री। यार प्रॉब्लम ये है कि गंगोत्री के अंदर जब 2-3 दिन गाड़ी रात में खड़ी रहेगी, तो ये डीजल गाड़ी है, चांसेस है ये कोल्ड में स्टार्ट नहीं होगी। और एक और इशू ये है कि वहां ना दूर दूर तक कोई नहीं है, ऐसा नहीं है कि वहां बहुत सारी शॉप्स हैं या कोई लोग हैं जो मदद कर दें, कुछ नहीं है वहां। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार कैसे हो पाएगा। और एक और भाई बहुत दिक्कत है यार, मैं सोच रहा हूँ मैं तो दिक्कत ही गिनवाए जा रहा हूँ, क्योंकि है दिक्कत है। एक और दिक्कत यह है कि क्या मैं गंगोत्री पहुंच भी पाऊंगा। पहुंच तो पाऊंगा क्योंकि मेरे को जाना है, 110% जाना है, बट क्या है कि इस समय टूरिस्ट अलाउड नहीं होते हैं गंगोत्री में, क्योंकि ये ऑफ सीजन है और वहाँ वो चार धाम के अंदर आता है उत्तराखंड के अंदर, तो रस्ते बंद होने की वजह से वहाँ टूरिस्ट नहीं होते हैं। बट लकीली इस साल, मेरे लिए लकीली और वैसे अर्थ के लिए अनफॉर्चुनेटली, कि इस साल अभी इतनी स्नो नहीं पड़ी है, तो चांसेस हैं कि स्नो खुले होंगे और मैं गंगोत्री जा पाऊंगा। बट मेरे को लगता है वैसे भी जा पाऊंगा, क्योंकि वहां पे माता जी रहती हैं और भी काफी साधु संत रहते हैं, तो उन तक रिसोर्सेज कैसे ही पहुंचती होंगी, खाना पीना और भी कितनी जरूरत का सामान है, दवाई कोई बीमार पड़ जाए अस्पताल लाना है, कैसे क्या हो पाएगा। तो मेरे को लगता है कुछ तो तरीका होगा ही, तो मैं एज टूरिस्ट बन के नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ माता जी
माता जी से मिलने के लिए। तो एक तरह से मैं अपनी माता जी से वहीं पर मिलने जा रहा हूँ, उनके लिए थोड़ा सा मैंने सामान राशन रखा हुआ है गाड़ी में जो कि मैं उन तक पहुंचाना चाहता हूँ कि सर्दी में, वरना वो कैसे, वैसे उनके पास है उनका सारा, उन्होंने जुगाड़ कर लिया है पहले से ही। जुगाड़ क्या, जब गंगोत्री में आप रहते हैं ना तो वहां पर एसोसिएशन जैसा कुछ है, तो वो ही सबको खाना और ये सब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, गर्म कपड़े, थोड़ा सा खाना, तो ऐसा रहता है। बट मैं अपनी साइड से भी थोड़ा लेके जा रहा हूँ, तो वो गाड़ी पीछे बैक सीट उसी से भरी हुई है। हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी थोड़े दिन पहले ना मैं बस इसी चीज के लिए एक्साइटेड था, किसके लिए, गंगोत्री जाने के लिए। माता जी से मिला था, मेरे को बहुत अच्छा लगा था, मैं बता नहीं सकता हूँ, बता सकता हूँ बुक के अंदर खोल के, अभी नहीं बताऊंगा, वही है कि ठीक है, तो वहां लिखूंगा अच्छा मन खोल के, दिल खोल के तो शेयर करूंगा। और अभी अभी वैसे हम गंगोत्री तो जा रहे हैं, मगर रास्ते में एक जगह पड़ती है देवप्रयाग, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया जगह है, जहाँ पर एक्चुअली गंगा की फॉर्मेशन होती है। तो देवप्रयाग के अंदर दो नदियां मिलती हैं, भागीरथी और अलकनंदा, और दोनों के मिलने से गंगा बनती है। वैसे तो गंगोत्री से ही गंगा की शुरुआत, हम बोल देते हैं कि गंगा गंगोत्री से निकलती है, गोमुख से निकलती है, पर वो भागीरथी गंगा है। और दोनों के कलर्स भी डिफरेंट है ना। तो पौराणिक कथा के हिसाब से जब देवप्रयाग के अंदर अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं तब गंगा बनती। फिर गंगा माई से ब्लेसिंग लेकर रात भर गाड़ी चलाकर, एक्चुअली नहीं, गंगोत्री बहुत दूर है भाई, मैं रात भर गाड़ी नहीं चलाता, एक रूम लेकर रुकता हूँ और अगली सुबह अपना गंगोत्री का सफर फिर से शुरू करता हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सर यहाँ मैं रात में रुका था यार, गंगोत्री तो एक्चुअली बहुत दूर है, अभी मैं जहाँ रुका हूँ, मैं टहरी में रुका हूँ, यहाँ से भी 8 घंटे दूर है। तो सुबह के अभी 9 बजे और मैं निकलने लगा हूँ, क्योंकि मेरे को लाइट में पहुँचना है, मैं नहीं चाहता मैं अंधेरे में पहुँचूँ, क्योंकि वो जंगल है, मेरे को लाइट में पहुँचना है, तो मैं थोड़ा जल्दी चलाऊंगा आज और शूटिंग कम करूंगा। फिर वो पूरी सुबह बिना रुके गाड़ी चलाता हूँ। हाँ ठीक है, उत्तरकाशी में 2 मिनट जरूर रुकता हूँ फिर से फ्रेश मशरूम लेने के लिए। मशरूम के साथ थोड़े फ्रूट्स भी ले लिए मैंने, और अब फाइनली पहुंचते हैं गंगोत्री। और फिर करीब 100 किलोमीटर ड्राइव करके सूरज के ढलने से थोड़ा ही पहले पहुंच जाता हूँ श्री गंगोत्री धाम। तो जो जो यहाँ कभी भी आया उनको पता होगा कि अंदर देखो गंगोत्री जीरो, जो जो कभी भी आया उनको पता है अंदर गाड़ी अलाउड नहीं होती, बट यहाँ लिटरली कोई भी नहीं है, पूरी सड़कें खाली हैं। जैसे मैंने उत्तरकाशी टपा हार्डली कोई दिखा, हर्षिल में थोड़े से लोग थे, बहुत ही कम, और ये आ गए हम गंगोत्री। वेदर की वजह से सब बंद है, सब कुछ बंद है। क्या मतलब खुलती क्योंकि नहीं है? भाई ठंड में यहाँ रहना ना, ठंड और वो वैसे भी बंद हो जाता की मैजिक सीक्रेट होता तो थोड़ी सी लैंग्वेज में आपको बताता पर जस्ट इमेजिन, बहुत टफ है ठंड में यहाँ रहना। अरे मैं यहाँ श्री गंगोत्री धाम में पहुंच तो गया हूँ, पर माता जी को कोई आइडिया नहीं है कि मैं आ रहा हूँ, क्योंकि उनके पास कोई फोन नहीं है, उनको कांटेक्ट करने का कोई भी तरीका नहीं है। बस उनसे बात हुई थी तो मैं लास्ट टाइम इधर आया था, तो उन्होंने कहा था हाँ बिल्कुल आना सर्दियों में, बट अब मैं यहाँ पहुंच गया तो मेरे को लग रहा है उन्होंने ऐसे कैजुअली तो नहीं बोल दिया था कि हाँ ठीक है आ जाना, और वो सोच रही होंगी आएगा थोड़ी भाई कौन ही आता है, बट मैं आ गया। जैसे जैसे पास पहुंच रहा हूँ ना मेरी एंजाइटी बढ़ती जा रही है कि अरे यार देखो तो बताता हूँ माता जी रहती कहाँ है। देखो ये है मेन गंगोत्री, ठीक है, यहाँ मंदिर है, इसके पीछे मंदिर है, ये है तो थोड़ी सी ही बिल्डिंग है, दैट इज इट। माता जी यहाँ से यूं जाते रहो, वो टार के बहुत पीछे वहां कहीं उधर, यस उधर वहां रहती है उनकी, उनकी कुटिया वहां है। तो अब सामान लेते हैं और चलते हैं, लेट्स गो। बर्फबारी हो जाती है, सब कुछ बंद हो जाता है, लोग नीचे वाली साइड पे चले जाते हैं। मेरे बस की नहीं है क्योंकि मैं अभी अभी आया हूँ, मेरे पास सामान भी ज्यादा है, तो मैं बार बार शॉर्ट रख के दिखाऊंगा नहीं आपको, कल दिखाऊंगा माता जी के यहाँ तक पहुँचने का रास्ता, नॉट पूरा रास्ता बट यू विल गेट द आइडिया। अभी के लिए मैं फोन रख रहा हूँ, चलते हैं सीधा माता जी से मिलते हैं। माता जी के यहाँ पहुँचता हूँ तो सन्नाटा देख के ज़रा सोच में पड़ जाता हूँ कि कोई यहाँ है भी सही, पर ये लकड़ियाँ और किताब तो देखकर लग रहा है कि ज़रूर माता जी यहीं होंगी। माता जी
अरे वाह, हमने कहा था शीतकाल में आएंगे मिलने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। तो जी, ये है श्री गंगोत्री धाम, वो पवित्र स्थान जहाँ से गंगा मैया का उद्गम होता है। माना जाता है कि आज से हजारों वर्ष पहले गौमुख, जो गंगा जी का ग्लेशियर है, वो यही गंगोत्री में था। मगर ओवर द इयर्स, हजारों सालों के बीच ग्लोबल वार्मिंग और टेम्परेचर राइज होने की वजह से ग्लेशियर रिसीड करता गया, और आज की डेट में एज ऑफ स्पीकिंग नाउ गंगोत्री से गौमुख की दूरी है कुछ 18 किलोमीटर, जो कि हमने फर्स्ट एपिसोड के अंदर कवर करी थी। जी हाँ, हमने जब अपनी जर्नी की शुरुआत यही गौमुख से करी थी, तो गंगोत्री में बहुत ही ज्यादा चहल पहल थी, बहुत सारे लोग थे। मगर अब शीतकाल के समय यहाँ हार्डली कोई है। माता जी से मेरी बात हुई, माता जी बताती हैं कि इस समय लगभग 20 से 25 साधु संत गंगोत्री में रह रहे हैं, दैट इज इट, और कोई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ की कंडीशन बहुत ही ज्यादा हार्श है। और इसलिए तो हम यहाँ आए हैं, देखने के लिए कि माता जी सब कुछ अकेले कैसे मैनेज करती हैं। तो जी हाँ, अभी मैं जाके माता जी से मिला, मगर मैंने बिल्कुल कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि माता जी से मिलते ही मैं उनके फेस पे और उनके कुटिया के अंदर जाके कैमरा नहीं घुमा सकता हूँ। और क्या कि इससे पहले अंधेरा हो जाए, तो मुझे अपना रात बिताने के लिए एक आश्रम में स्थान ढूंढ लेना चाहिए। तो चलते हैं, पहले स्थान देखते हैं एंड देन माता जी से मिलेंगे। रहने का स्थान मैं देख तो लूं, पर कुछ खुला भी तो हो। यही तो मैं हैरान हो रही थी कि कोई भी नहीं है। हरिओम। पर फिर जैसे तैसे करके रात के लिए मुझे एक स्थान मिल ही जाता है। सर, ये मेरा कमरा रहेगा अगले 2 दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए एक्चुअली। अब मैं 3 रातें यहीं स्पेंड कर रहा हूँ गंगोत्री में। सोचा था बर्फ होगी, हाँ मैं चेक करके आ सकता था कि बर्फ तो है नहीं तो क्यों जाना है, बट नहीं, मेरे पास मतलब यही टाइम था। इसके बाद मेरे पास टाइम भी नहीं आया आने का, क्योंकि आगे कहीं और की तैयारी है। तो खैर, बर्फ नहीं है तो देखेंगे कि कैसे क्या करते हैं हमारी फोटो का। बट ये स्टोरी माता जी की बिल्कुल पहुंचनी चाहिए, मेरे को लगता है इतनी ब्यूटीफुल है ना ये, मतलब बिलीफ है, ये स्टोरी बिलीफ की है मेरे ख्याल से। आप चाहे भगवान में माने, भगवान में ना माने, बट जो बिलीफ है माता जी का इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। मेरी पूरी कोशिश रही ऑन कैमरा माता जी को दिखाने की, उनसे ऑन कैमरा कुछ सवाल जवाब करने की, ताकि आप तक वो चीज पहुंच पाए जो मेरे तक पहुंची है। मेरे तक तो पहुंच चुकी है, मेरे तक तो उसी टाइम पहुंच गई थी। तो वैसा है, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे यार, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो चमक रहे होते हैं भाई, सनशाइन की तरह चमक रहे होते हैं, आपको बस उनके आसपास आके ही अच्छा लगता है। बहुत कम ऐसे मेरे को लोग लाइफ में मिले हैं जिनसे मैं बात भी ना करूं, वो बैठे हैं, मैं बस उनके पास बैठना चाहूंगा, ऐसे लोग। और ऐसे खाली संत महात्मा ही नहीं, नॉर्मल लोग भी ऐसे होते हैं। ऐसे मैं 1-2 लोगों को जानता हूं, संत महात्मा नहीं है, नॉर्मल लोग हैं, एक तो हम जैसे लोग हैं, बट बहुत ही वार्मथ होती है। माता जी उनमें से एक है। बहुत ज्यादा अच्छी जगह है। आपका, आप राजा हो यहाँ के, आपका कोई पड़ोसी नहीं है, आपको कोई देखने वाला नहीं है, सोचो। बहुत कमाल जगह है, बहुत ज्यादा कमाल। और गंगा जी का क्या व्यू है। तो आज का तो अपना इतना ही था, और कल फिर से मिलेंगे माता जी से, और साथ में थोड़ा गंगोत्री घूमेंगे। अगर कुछ लोग सोचते होंगे आश्रम लाइफ इज नॉट लग्जरी लाइफ, बट यू आर रॉन्ग माई फ्रेंड। सी, सुबह 7 बजे हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं है ना, तो भैया जी आ गए अपने आप, उन्होंने मेरे को चाय दे दी, कह रहे ठंड है चाय पी लो। ये भी सोच सकते हो कि भाई 7 बजे उठा दिया इतनी ठंड में। नहीं, मैं उठ ही गया था, मैं उठ जा रहा हूँ जल्दी। तो यार सुबह के हो रहे हैं अभी, हाउ मच कैन यू सी, यस 7:12, टेम्परेचर है -11। वी डोंट माइंड बिकॉज मेरे को मेरी चाय मिल चुकी है। नहाने लगे? अच्छा, मेरे नहाने लगे। ओ माय गॉड, पूरे पे बर्फ जमी हुई है। हाँ, मेरे को पता है, मैंने कल जोश जोश में बोला था कि यार इतनी सर्दी थोड़ी है, बट दोस्तों आई टेक माय वर्ड्स बैक, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा थी। एक्साइटमेंट थी गंगोत्री आने की, आई वुड से सर्दी तो है, बट थैंक्स फॉर स्मार्ट हूँ कि मैंने लास्ट ईयर ही जब मैं द्रास गया था बहुत सर्दी में, इससे भी ज्यादा सर्दी थी भाई, वहां -30 भाई। तो मैंने जैकेट खरीदी थी, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट ये जैकेट है भाई, पहन लो, खत्म मामला, फिर कुछ नहीं चाहिए आपको, फिर तो -25 -30 इंजॉय करोगे। तो खैर, नहीं कह रहा मैं, अभी ठंड लग रही है, ठंडा है, जैकेट ठंडी है। तो खैर, तैयारी हो गई है, ग्लव्स पहनते हैं,
थोड़ी सी सनस्क्रीन लगाते हैं, मैंने बोला है बहुत जरूरी है, मैंने नहीं बोला, मैंने बताया था कि हमारी एक दोस्त ने बताया है कि बहुत जरूरी है। भाई ठंड तो है, पता नहीं माता जी कैसी कैसी करती है भाई। चलो चलते हैं बाहर और माता जी से मिलते हैं। तो जी ये है माता जी का घर, सॉरी कुटिया। मेरे को नहीं जानकारी थी, माता जी ने ही बताया, जो सन्यास ले चुके होते हैं उनका घर नहीं होता है, उनकी कुटिया होती है, माता जी की कुटिया। प्रणाम माता जी। माता जी आप शीतकाल में फिर पानी कैसे मैनेज करते हो, पाइप तो जम गए हैं सारे? पानी को स्टोर कर लेते हैं गंगा जी में, मोटर डाल के भरा है, ये देखें ये है 200 लीटर। हाँ, फिर इधर था जो अभी मैं काफी यूज कर चुकी हूँ तो अब कम रह गया, ये है। माता जी दिखाती हैं कि किस तरह से पूरे शीतकाल के लिए उन्होंने पहले ही पानी जमा करके रख लिया है। इससे आपका सारा सर्दी निकल जाएगी माता जी? हाँ, फिर उसके बाद वो बर्फ पिघलने लगती है तो उसको भी यूज कर लेते हैं। अच्छा, ये सब सब्जी है। और सब्जी का आप कैसे करते हैं, क्योंकि सब्जी भी ज्यादा तो नहीं चलती होगी? फिर माता जी बताती हैं कि महीने में एक बार ही ऋषिकेश से इकलौती गाड़ी आती है कुछ सब्जियां लेकर, मगर इस महीने वो अब तक आई नहीं है। तो जी ये तो वो स्थान है जहाँ पे माता जी पूजा पाठ करती हैं, रहती हैं, यहाँ पर किचन है, अब और भी है, ऐसा नहीं है खाली इतनी सी कुटिया है, कुटिया में और भी चीजें आपको दिखाता हूँ। ये तो मंदिर हमने देखा था ना लास्ट टाइम। ये कमरा, खिड़की, और ये दूसरा कमरा। कमाल की बात है, इतना सब अकेले जंगलों में कैसे मैनेज होता है, अनरियल जगह है ये, बहुत अनरियल जगह है। और यहाँ ठंड का एहसास भी नहीं हो रहा है क्योंकि ये ना एक रॉक शेल्टर में बना है। ये देखो ये देखो ये देखो, ये पत्थर है एक्चुअल, जो केव होता है ना ये वो है। अंदर एक बाथरूम है। एक बहुत ही कमाल की चीज हुई, कल मैं माता जी और एक बार महात्मा जी जा रहे हैं उत्तरकाशी, मैंने माता जी से पूछा था कि कुछ कुछ भी सामान और चाहिए हो तो आप बताइए, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे ना, एक ऋषिकेश से या उत्तरकाशी से एक गाड़ी हर महीने आती है सब्जियाँ वगैरह लोड करके, बट इस बारी अभी तक वो गाड़ी नहीं आई है। तो माता जी के पास और भी बाकी लोगों के पास यहाँ पे गंगोत्री में सॉरी सब्जियाँ होने लगी है ख़त्म। मैं कहा मेरी गाड़ी किस काम आएगी, तो कल हम जा रहे हैं यहाँ से, पहले माता जी की एक फ्रेंड है, माता जी ने कहा उनसे मिलना है, मैं कहा ठीक है चलते हैं, तो कल हम उनसे मिलेंगे, उसके बाद उत्तरकाशी जाएंगे, थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे, सब्जी वगैरह खरीदेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना आसपास, तो वो खरीद के लाएंगे। उत्तरकाशी यहाँ से है 100 किलोमीटर, जाने में लगेगा 3 घंटा, आने में लगेगा 3 घंटा, तो कल है हमारी रोड ट्रिप। क्या मेरे डीजल के लिए? वो कहते हैं ना समझदार को इशारा काफी, तो अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो जी कुछ इस तरह से आश्रम में को बोला जा रहा, सुबह सुबह मुंह जम रहा है, ओ भाई जॉ फ्रीज हो रहा है, बट खैर सुबह सुबह इस तरह से आश्रम छोड़ के ऊपर जंगलों में जाना पड़ता है, समझ गए? अच्छा, यही तरीका है, मतलब आप गर्म पानी लेके जा सकते हो इफ यू वॉन्ट, इधर वॉशरूम बाद में बात करता हूँ, जरा प्रेशर बना है। मैं क्या कह रहा था कि रियलिटी ना फिक्शन से कई गुना बेटर है, फिक्शन इन द सेंस मैं जब यहाँ आया था, एक मिनट, तो मैं कह रहा था मैं जब यहाँ आया था तो अपने दिमाग में एक दो चीजें लेके आया था कि बर्फ होगी, माता जी की फोटो लेंगे, थोड़ी सी बात कर लेंगे, उनका दिखा देंगे घर कैसा है, दैट्स इट। और बट रियलिटी कितनी, मैं रोड ट्रिप कर रहा हूँ माता जी के साथ भाई, और क्या चाहिए, ये तो सोचा ही नहीं था। रोड ट्रिप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी हमें जा रहा हूँ उत्तरकाशी, यहाँ से है 3 घंटे दूर,
आना अगेन 3 घंटा, तो हो गया 6 घंटा, तो रोड ट्रिप ही हो गई। और माता जी ने बोला कि वो पराठे कॉफ़ी ये सब बना के ला रही हैं, तो मस्त मज़ा आएगा। मैं बड़ा खुश हूँ। खुश तो मैं हूँ, बस मेरी ये गाड़ी बिना किसी कलेश के चालू हो जाए। 2 मिनट ग्लव्स नहीं पहने, उंगलियां सुन हो गई, रेडी हो गई है ना। हाँ, -11 हमसे यहाँ पे। ओके जी, द मोमेंट ऑफ ट्रुथ, बोला नहीं जा रहा। हो गई चालू। फिर रास्ते में रुककर माता जी के हाथ के पराठे खाते हैं, लड्डू खाते हैं और कॉफी पीते हैं। तो ये हमारा पिकनिक का स्पॉट है। माता जी को मैं ऐसे ही अपनी ऋषिकेश से खरीदी हुई विंड फ्लूट दिखाता हूँ, जो कि उनको बड़ी पसंद आ जाती है। आपको बेस्ट चीज बताऊं? देखिए, अगर हमें नहीं पता मैंने क्यों 2 खरीदा था, एक आप और क्या मुझे नहीं पता सन्यासी में क्या इमेज बनती होगी। मुझे तो लगता था बहुत स्ट्रिक्ट होते होंगे, हंसी मजाक तो दूर की बात है, किसी से बात तक नहीं करते होंगे। ये ज्यादा अच्छी है, ये मेरी है। आप तो इससे भी आई वैसे। हाँ जी, हाँ जी। पर माता जी के साथ बिताए पिछले 3 दिनों में बहुत सारी चीजें जानने को मिली, जो मेरा चीजों को लेकर लिमिटेड पर्सपेक्टिव था वो एक्सपैंड हुआ। आपके अंदर बहुत कुछ है लेकिन आप शेयर नहीं कर पाते, करना भी नहीं चाहते, या करना नहीं चाहते या कर नहीं पाते, अपने स्वभाव के कारण या वही सामाजिक भय के कारण। तो वो यही कहते हैं कि आप ना लिखो। हाँ जी, जो कुछ है लिखो, गाली गलौज सब लिख दो। धर्मिष्ठानंद ने मेरे साथ ये किया, वो ये, उसका ये हो जाए, उसका मतलब माँ बहन की गाली भी आ रही है तो वो भी लिखो, सब लिख दो, लिख के दिखाओ भी मत किसी को, लिखो चाहे फाड़ दो। हाँ जी, हाँ जी, मतलब अंदर से वो निकलना बहुत जरूरी है, वरना किसी और फॉर्म में कभी ना कभी बाहर आ जाता है। जैसे मैं कहती हूँ कि बहुत वर्ष पहले साइकेट्रिस्ट हमारे इंडिया में नहीं हुआ करते थे। हाँ जी, है ना। हाँ जी, क्योंकि हमको मनोवैज्ञानिक रोग थे ही नहीं, कारण हमारे इतने रिचुअल्स हैं, इतना कुछ है हमारे पास कि हमारा कथार्सिस होता ही रहता है। हाँ, है ना, होली है, बुरा ना मानो होली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बम बम भोले। हाँ जी, इतना हल्ला करते हैं ये लोग, ये कथार्सिस तो हो रहा बिल्कुल है, अंदर से निकल रहा है। नहीं, अब लोगों को देवता आ जाता है, नहीं आता है, माताओं को देवता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि मैं नहीं मानती इसको, ये हमारे मतलब आपने इतना रोक के रखा है, बेचारी को मुंह ही नहीं खोलने दे रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, घर में आप उसको मुंह नहीं खोलने देते हो, तो उन्होंने ये एक शील्ड लिया, एक शेल्टर लिया। माता जी, इसके बहाने देखो कैसे चिल्लाती है माता, यहाँ मेरे वहाँ तक आवाज आती है कि देवता आ गया जी। बिल्कुल, अब नहीं तुम कुछ कह सकते, बिल्कुल, चाहे पति हो, बाप हो, भाई हो, बेटा। माता जी से डिटेल में बैठकर बातचीत भी करी, जिसके बारे में किताब में शेयर करूंगा, तो प्री बुक करना ना भूले। तो जी, ये है माता जी की स्कूटी, और इसका इतना ज्यादा क्रिएटिव नाम है ना, रुको खुद माता जी से पूछते हैं। स्वामी, एक्टिवानंद सरस्वती, और नया है अब है डेस्टिनी शर्मा। तो ये है डेस्टिनी शर्मा, इस पे बैठकर माता जी यहाँ गंगोत्री से आज से कुछ 10 दिन पहले ही गंगोत्री से हरिद्वार गई रन थ्रू। भाई 10 घंटे की ड्राइव माता जी ने स्कूटी पे अकेले करी, मतलब एक नॉर्मल इन द सेंस एक यंग आदमी नहीं कर सकता यार। माता जी 60 इयर्स प्लस है, स्टिल कितनी लाइवली है, मस्त बिंदास यार, मतलब लैक ऑफ वर्ड्स हुए है, बट इतनी इतनी ब्राइट है ना माता जी, ब्राइट इन द सेंस फुल ऑफ लाइफ। उम्र कितनी भी हो जाए, दिल तो बच्चा है जी। खैर, उत्तरकाशी से राशन लेकर हम बाकी साधु महात्मा तक भी पहुंचाते हैं, जहां कई और बड़ी गुफाएं और गुफाओं में रहते महात्माओं की जिंदगी देखने का एक मौका मिलता है। मेरे माइंड में ना वो चल रहा पॉडकास्ट रणवीर। और स्वामी जी, इधर सर्दी फिर लगता है। सोलर भी नहीं आपके पास? ये स्वामी जी यहाँ बिना किसी लाइट, बिना हीटर के सारी सर्दियाँ निकाल देते हैं। ये एक और स्वामी जी हैं जिनकी कुटिया देखने का मौका मिला। हम लगभग 13 साल से हैं यहाँ। ये बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। अभी आपको इसी सीक्रेट जगह दिखाएंगे ना। फिर हम पहुंच जाते हैं इस फ्रोजन वाटरफॉल पर,
अरे हाँ। और भी बहुत से अनुभव मिलते हैं मेरे को इस 3 दिन के दौरान, पर वो सब एक हफ्ते के बीच बताना मेरे बस की बात नहीं है। पर हाँ, एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा। देखो, मैं कोई इतना रिलीजियस आदमी नहीं हूँ, बट मैं नए एक्सपीरियंसेस, नई दुनिया इन द सेंस, ये दुनिया मेरे से बहुत अलग है। जो जीवन मैंने जिया है, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा है, बट मैं देखना चाहता हूँ यार, तभी तो पता चलेगा कि चल क्या रहा है। तो बस उतना ही है मेरे लिए, ये पूरी यात्रा उसके लिए है कि मेरा थोड़ा पता चले देश में है क्या क्या। तो गंगा जी के किनारे ऐसे एक साधु महात्मा लिटरल केव में रह रहे हैं, और ऐसे गंगोत्री में कई साधु हैं। ये तो बस मैंने एक आधा, मैं जो दिखा पाया वो मैं दिखा रहा हूँ, बट ये पूरी सीरीज इसीलिए है कि मेरा होराइजन एक्सपैंड हो भाई, मैंने देखा ये। मुझे नहीं पता है क्यूरियोसिटी मेरे अंदर कहाँ से आई, ये यात्रा करने की इच्छा मेरे अंदर कहाँ से आई, पर अब आ गई है तो मजा खूब आ रहा है। तो जी, इसी के साथ हमें हमारी छठी स्टोरी भी मिल गई। आपने ध्यान दिया, मैंने बोला छठी स्टोरी ना कि छठी फोटो, क्योंकि फोटो नहीं मिली है यार। मेरा आइडिया था बर्फ में फोटो लेने का, मगर बर्फ है ही नहीं तो क्या करें। पर वरी नॉट, मैं मार्च के महीने में लौट के आऊंगा, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में लौट के आऊंगा, जब यहाँ होपफुली बहुत सारी बर्फ होगी, और जो मेरी डिजायर्ड फोटो है वो फोटो लेके मैं बुक में लगा दूंगा। तब वीडियो नहीं बनाऊंगा, खाली अपनी फोटो क्लिक करूंगा। और यार, इसी के साथ हमारी 8 में से, वैसे टोटल 11 स्टोरीज ही हैं जो आपको खाली बुक में पढ़ने को मिलेंगी, इस वीडियो पे खाली 8 स्टोरीज आएंगी, 8 में से 6 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो यही मौका है, प्री बुकिंग ऑन है, अगर आपको सारी स्टोरीज पढ़नी है तो आप बुक ले सकते हैं। और यार, ये सीरीज में मैं इतनी इंटीमेट मैं बताता हूँ तुम्हें, सीरियसली बताता हूँ। देखो, इतना अच्छा बोला था मैंने पहले ना, माइक ऑन नहीं था पर मैं यही बोल रहा था दोस्तों, मैं यार ये किताब मैं इसलिए भी लिख रहा हूँ क्योंकि अभी नहीं, अभी इसका शायद इतनी वैल्यू नहीं है, मगर आज से 50 साल बाद जब मुड़ के देखा जाएगा तब इस बुक की वैल्यू समझ में आएगी, क्योंकि तब हम देख सकते हैं कि हमारे साधु हिमालय में कैसे रहा करते थे, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है। मेरे को नहीं पता आने वाले समय में क्या क्या बदलाव आएंगे, मगर जब हम मुड़ के देखेंगे तो ये किताब एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क ज़रूर होगा। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि ये सबसे महान वर्क है, सबसे बेस्ट वर्क है, बिल्कुल नहीं, बट एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क होगा आज से कुछ सालों बाद। इसलिए मैं जर्नी कर रहा हूँ थोड़ा दूर का सोच के कि यार हाँ, देखो आप गंगा जी के किनारे देखो कैसा विविड कल्चर बसता था, उस समय भी आई होप बसता हो, बट जब मुड़ के देखा जाएगा तो यही कोशिश है कि हमारे देश की एक झलक आपको दिखा सके। और बाकी भाई, मेरा इतना होराइजन एक्सपैंड होता है ना, मैं दिल्ली में पला बढ़ाऊँ, शहर में पला बढ़ाऊँ, मैं अब जो दुनिया देख रहा हूँ, मैं अलग अलग वर्ल्ड एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ये जो साधु महात्माओं की दुनिया है ये बहुत अलग है मेरे लिए। मैंने खाली फिल्मों में देखा था, मेरे को लगता था साधु बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और बहुत, मतलब एक इमेज होती है, सबकी अलग अलग इमेज होती होगी दिमाग में, मेरे इमेज में थी कि भाई बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, ऐसे होते हैं। यहाँ आया हूँ तो मैं रहा उनके साथ 3 दिन, और मेरे को जो एक्सपीरियंस मिला है वो एक्सपीरियंस मैं खुल के वीडियो पे भी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि बहुत ही इंटीमेट मोमेंट्स होते हैं, इंटीमेट, इतने इंटीमेट्स कि ना मैं उनको शूट करता हूँ, ना मैं कैप्चर करता हूँ, और ना मैं वैसे सवाल ऑन कैमरा पूछता हूँ, बट वो सारी चीज़ें किताब में ज़रूर देखने को मिलेगी। तो इसलिए भी ऑफर ऑन है, तो इसलिए भी प्री बुकिंग आप किताब की अभी कर सकते हैं, ऑफर ऑन है, एक बार बुक लॉन्च हो जाएगी तो प्राइस थोड़े बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो देखो दोस्तों, मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं जेन्युइनली मेहनत कर रहा हूँ। अभी मेरे को यहाँ से 16 घंटे गाड़ी चला के दिल्ली जाना है, सुबह फ्लाइट पकड़नी है और कोलकाता जाना है, तो मैं अपने लेवल पे जितने मेहनत कर रहा हूँ, एक अकेला आदमी जितनी मेहनत कर सकता है मैं कर रहा हूँ। मेरे को पता, मेरे को रिकॉर्डिंग शायद बीच में बंद हो गई, पर मैं ये बोल रहा था कि भाई मैं जेन्युइनली बहुत एफर्ट कर रहा हूँ, एक सिंगल आदमी जितना कर सकता है मैं कर रहा हूँ, मेरे को पता मैं कोई काम चोरी नहीं कर रहा। आप लोगों से बदले में कुछ नहीं चाहिए, किताब खरीदे ना खरीदे आपकी मर्जी है, मगर वीडियो पे कमेंट जरूर करके जाइएगा। मैं समझता हूँ हर कोई नहीं खरीद सकता, ऐसे सपोर्ट जर्नी में नहीं कर सकता, पर आप इस तरह से सपोर्ट हमें डेफिनेटली कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू SF बैटरीज फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीक नई स्टोरी के साथ। नॉट श्योर स्टोरी मिलेगी नहीं मिलेगी, वी आर ऑन अ हंट, बट मिलेंगे, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक। इतनी लंबी ड्राइव करके जो है गंगोत्री जाना दिल्ली से, सबसे पहले तो भाई रौनक भाई जो है ना, उनको इसी बात पे हैट्स ऑफ है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि पैशन जो होता है ना आपका, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उन्होंने जितना ये सफ़र किया ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी सर्दी में जो है ना, कोई भी जो है ना नॉर्दर्न एरियाज़ की खास बात करें, वहाँ पर जाने का सोचता नहीं है, क्योंकि पहली बात ही जहन में यही आती है कि भाई बर्फ़बारी हुई होगी, रस्ते बंद होंगे, पहुँच भी पाएंगे, अगर पहुँच गए तो वहाँ पर अगर मज़ीद स्नो होगी तो वापस कैसे आएंगे। वैसे हम लोग यहाँ पर 5 डिग्री जो है वो हमसे नहीं संभाला जाता, समटाइम्स 4 हो जाता है, अभी लास्ट डेज में 3 भी हुआ है, और मैं कहती हूँ -11 में बड़ा मुश्किल हो जाता है लाइक, लेकिन ये है कि आपके अंदर पैशन है सो आप हर काम कर सकते हो। और मुझे लगता है कि आपको बहुत सारे ऐसे लोग जो है वो इंस्पायर करते हैं काम करने के लिए, मोटिवेट करते हैं कि अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। सो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि जिस तरीके से वो एक रोड ट्रिप उन्होंने किया,
बट नो डाउट उनका जितनी वो डिटर्मिनेशन दिखा रहे हैं, मैं कहूँगी कि वाकई में वो एक काबिले तारीफ है। और मैं ये भी बात बोलूँगी कि जिस तरह की वो स्टोरीज हमारे सामने लेकर आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं। और सीरियसली उन्होंने एक बात बिल्कुल सही बोली कि जब हम लोग देखते हैं ना मूवीज़ वगैरह में देखते हैं तो आपको एक ऐसा इमेज लगता है कि बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, आपकी बेवकूफ़ों वाली बातों से मतलब बुरा ना मान जाए, क्योंकि आपका जो सोचने का लेवल है और जो उनका सोचने का लेवल है वो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बट जब आप इंटरेक्ट करते हुए देखते हो, मतलब मैं खुद वाकई में हैरान हो रही थी कि जो माता जी हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको जॉली लग रही थी, और यू नो जो जिस तरह से वो खुश हो रही थी और जैसे वो बात करने का उनका तरीका था, सो मुझे ये चीज़ें आपकी बहुत सारी जो सोचने का नज़रिया ना वो बदलता है, तो मुझे ये चीज़ बड़ी पसंद आ रही थी। भाई मैं तो सबसे पहले जब वो गए ना, जब उन्होंने जाके बेल बजाई है जो उनके कुटिया के बाहर जो है वो लगी हुई थी, तो भाई जिस जब वो बाहर निकली है जो उनके एक्सप्रेशन थे, बिल्कुल के भाई इतनी ठंड में जो है ना, क्योंकि हम जितना भी रास्ता देखा भाई लोग ही नहीं थे। और लिटरली इस तरह होता है यहाँ पर भी, जब सर्दी होती है तो नरान के गांव से जो है वो लोग नीचे वाली साइड पर आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई टूरिज्म नहीं होता, लोग जो है वो नहीं जाते, तो वो भी फिर अपना वहाँ पर सब कुछ छोड़ के नीचे आके अपना कारोबार या कोई जॉब वगैरह जो होते हैं वो करते हैं। तो भाई इस मौसम में जाना जब सब कुछ बंद हो, आपको पता भी हो कि भाई अगर आप पहुंच भी गए और अगर आपकी गाड़ी भी बंद होगी तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात जो है वो हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद जाना, भाई मैं कहूँगा कि ये जो है ना आपकी डेडिकेशन है, आपका पैशन है, जो चीज़ें जो है आप करना चाहते हैं उसके लिए। वैसे हम बाकी जितने भी हमने जो साधु हैं वो देखे भाई, जिस तरह वो रह रहे हैं भाई, मैं कहूँगा कि इस तरह दुनिया से कट ऑफ होकर रहना बहुत कम लोगों में जो है ना ये चीज़ पाई जाती है। और जैसे वहां पर लिटरली मतलब यू कैन नॉट सी एनीबडी, मतलब जब स्टार्टिंग में भी मुझे ऐसा फील हुआ था देखते हुए, तो मैं हैरान हो रही थी कि कोई भी नहीं है। ठीक है शॉप्स बंद हैं, लेकिन उसके अलावा जो आप बिल्डिंग्स भी नजर आ रही थी उसमें भी ऐसे लग रहा था कि घरों में भी कोई बंदा नहीं रह रहा वहां पर। बट मैं अपनी बात करूँ, मुझे रात के टाइम सच में पहाड़ों में बहुत डर लगता है, पता नहीं कि मुझे पहाड़ बहुत डार्क और यू नो विशाल लगते हैं। हाँ मतलब मुझे वो एक ना डर लगता है, लेकिन मतलब जैसे उन्होंने बताया कि कुछ ही साधु संत जो हैं वो मतलब वहाँ पर रह रहे हैं, और 25 मतलब देखो तुम ये कि वो भी दूर दूर रह रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, तो सीरियसली मुझे पता है कि जब आप इस लेवल को अटेन कर लेते हो तो आप के लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती, जो हमारे जैसे एवरेज लोग हैं उनके लिए ये चीज़ें मैटर करती हैं। बट फिर भी मुझे लगता है कि ये वाकई में बहुत चैलेंजिंग रहता है, और जो हमारे जैसे लोग स्पेशली मैं जो कहूँगी जो कि मटेरियल वर्ल्ड में इतने ज़्यादा बिजी हैं, उनके लिए तो उनको बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ें जो है वो डिफ़िकल्ट लगती हैं। इवन के जब हम लोग बाकी जो साधु थे उनके केव्स देख रहे थे, तो मेरे माइंड में ना रणवीर का पॉडकास्ट चल रहा था जिसमें हमने श्री एम जी को सुना था, ये टी के बारे में बात हुई थी। एग्जैक्टली, और उन्होंने यू नो मतलब वो भी बता रहे थे कि बहुत सारे केव्स में साधु रहते हैं, ऐसी ऐसी जगहों पर रहते हैं कि आपको यकीन नहीं आता। तो दूसरा वाला एक जो केव था, देखो वहाँ पर ना लाइट थी, वो लिटरली एक केव जैसा लग रहा था। माता जी की जो कुटिया थी वो तो आप फिर भी यू नो उसमें आपको लाइट नजर आ रही थी, और उन्होंने कली भी जो है वो की हुई थी, तो काफी उन्होंने मेंटेन किया हुआ था। लेकिन लिटरली केव के अंदर रहना और फिर वहां पर लाइट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सो मुझे लगता है ये वाकई में बहुत एक डिफरेंट आपको यू नो एक अनुभव रहता है आपकी लाइफ में जब आप ये लाइव देखते हो। एंड पर्सनली मैं अपनी अगर बात करूँ ना, तो मेरा भी मन है कि मैं ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में मतलब किस किस तरीके के रंग हैं, किस किस तरह के लोग हैं, क्या क्या होता है। और जो लास्ट में उन्होंने लाइन बोली ना, वो वाकई में बहुत अच्छी लगी मुझे कि आज से 50 साल बाद जब लोग पीछे मुड़ के देखेंगे, यू नो आपको टेक्स्ट बुक की फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, तो यही जो चीज़ें होती हैं ये आकर एक मतलब आने वाले टाइम एक एविडेंस बन जाती है कि उस टाइम पर ये हुआ होगा। बिल्कुल, अच्छा आपने जहाँ पे बात की है ना कि उनके रहने की, तो मेरा ख्याल है कि हम जैसे लोगों के लिए जो है ना वो रहना जो है ना मुश्किल होगा, लेकिन अगर उनकी बात करें ना, जितने भी आपने जो है साधु देखे हैं उनके चेहरे पे एक सुकून था, स्माइल थी। उन्हें वो मटेरियलिस्टिक दुनिया में बस वही जो एक आम रूटीन की जिंदगी होती है ना, क्योंकि उन्हें संन्यास ले लिया है, ठीक है ना, वो बस आम रूटीन की जिंदगी उनकी जो है वो चलनी चाहिए। बाकी उन्हें दुनिया में भाई बहुत ब्रांडेड गाड़ी
गाड़ी आ रही है, बहुत लग्जरी प्लेन आ रहा है, बहुत लग्जरी जो मर्जी आ रहा है, उन्हें उस चीज पे कोई सरोकार ही नहीं है। लेकिन अभी देखो जैसे माता जी का घर है, ठीक है ना, हाँ। सॉरी कुटिया है, उनकी कुटिया के बाहर ही सबसे पहले आपको हनुमान जी जो है वो नजर आते हैं, ठीक है ना। सो आप बहुत सारी जो चीजें ऐसी छोटी छोटी चीजें जो आप नोट करते हो और आपको बड़ी अच्छी लग रही होती है। फिर हम लोगों ने जैसे पानी भी दिखाया, तो पानी में से कुछ पत्थर ऐसे थे जिसके ऊपर ऐसे लग रहा था जैसे ना वो बर्फ जमी हुई है, पानी जमा हुआ है। सो ये जो छोटी छोटी चीजें, इतना एक एक्सट्रीम वेदर देखना, एक्सट्रीम कंडीशन देखना और उसमें सर्वाइव करना, मतलब मैं कहूंगी बहुत बड़ी बात है। सही बात है भाई, स्पेशली जब पानी भी देखो मुंह धो रहे थे, हाँ बिल्कुल, उसके ऊपर ऐसे आइस आई भी थी। भाई वही ना, हम जैसे लोग जो है ना, आम इंसान की मैं बात कर रहा हूँ कि जब वो इस तरह की चीजें सोचते हैं ना, तो उन्हें वो नामुमकिन सी जो है ना ये चीजें लगती हैं कि भाई हम अगर यहाँ पे बात करूँ, थोड़ा सा पानी ठंडा हो ना, जल्दी जल्दी मारो ताकि मुंह जो है वो साफ हो जाए जो साबुन लगाया हुआ है। लेकिन भाई वो देखे ना, उनके अंदर जो है वो इस तरह का वो हो चुका है, शांति आप कह लेना कि इस तरह की आ चुकी है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एक चीज और नोट की है, मौजम शी इज 60+, ठीक है, और वो लगती नहीं है। बिल्कुल, उनकी हेल्थ देखो, उनके चेहरे पे जो एक तेज है उसको देखो। सो मतलब इससे हमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो सीखने को मिलती हैं। वैसे मौजम से मैं एक बात पूछना चाहती हूँ जाने से पहले कि मौजम इमेजिन करो, जैसे अभी देखो जहां पर वो लोग रह रहे हैं, एक तरह से दुनिया मतलब कट ऑफ है, लाइक कोई भी नहीं वहां पर रह रहा। अगर तुम्हें ऐसी जगह पर जाने का मौका मिले तो तुम्हारी क्या फीलिंग क्या होगी? यार 2-4 दिन तो बहुत अच्छा लगेगा कि मैं अपने, यानी कि जो अभी करंट सिनेरियो है मेरी दुनिया की, ठीक है ना, 2-4 दिन तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद जो है ना वो एक कह लेंगे, यानी कि अगर मुझे रहना ही उधर है ना, नहीं, तो नहीं रहना नहीं, वैसे ही मतलब जैसे, हाँ, वापस आना चाहूंगा। लेकिन अगर मैं उधर रहता हूँ तो कुछ दिन तो भाई मेरी हालत फिर इस तरह हो जाएगी जैसे वो दीवारों को टक्कर मारने वाली जो होती है ना, इस तरह का हो जाएगी। भाई लाजमी बात है, हम जो लोग जो शहरों में रहने के आदी होते हैं, जो चीज़ों को इतना ज़्यादा जो है वो देखते हैं अपने इर्द गिर्द, हम लोग ऐसी जगहों पे हाँ तब जाकर रह सकते हैं जब हम अंदर से जो है ना वो चीज़ें हासिल करना चाह रहे हो कि नहीं भाई अब हमें जो है ना ज़िंदगी में सुकून चाहिए। और सुकून आपको हमेशा जो है ना किसी ऐसी जगह पर जाके मिलता है जहाँ पर कोई ना हो। परमानेंट रहने की बात नहीं कर रही, बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग 1-2 दिन के लिए जाए ना एक्सपीरियंस करें किसी ऐसी जगह पे, मैं अपनी बात करूं, हाँ। तो मुझे ऐसा लगेगा मेरा ना माइंड जो है ना वो कुछ ऐसे ख्वाब टाइप देख रहा है, मुझे ऐसा हाँ, फील होगा। वो अगर कुछ दिनों की बात है वो तो बंदा चला जाता है, क्योंकि बंदे का माइंड कहीं ना कहीं इस चीज पे रेडी होता है कि हाँ भाई मैंने वापस आना है। लेकिन अगर आप माइंड ये बना के जाना कि नहीं भाई वापस नहीं आना, उधर ही रहना है, नहीं नहीं वो वाली बात नहीं करती। एनीवे गाइस, ओवरऑल ये तो थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी और आपका क्या कहने के बारे में में कमेंट सेक्शन में, और इसी के साथ मिलाते हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर, गुड बाय।